के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपन, डिजिटल अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको पासबुक मिलता है, चेकबुक, ATM सब चीज़ फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है। तो आपको अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में आना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको टाइप करना है NO SBI, लिख के सर्च कीजिएगा। उसके बाद NO SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे New to SBI पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और आपके पास ईमेल ID है तो डाल दीजिए। ईमेल ID पर भी और मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा, दोनों पर OTP आपको डालना पड़ता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास ईमेल ID नहीं है वो छोड़ दीजिए, बट मेरे पास है तो मैं अपना ईमेल ID नहीं डालता हूँ, ताकि आप लोग के पास, बहुत से लोगों के पास ईमेल ID नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बाद में भी ईमेल ID ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है। चलिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसको OTP आएगा, वो डाल देना है। ईमेल ID दिए रहेंगे तो ईमेल ID पर भी OTP आएगा, वो डाल देना है। तो चलिए मेरा जो भी OTP आया मैं डाल देता हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस पर टिक करना है, उसके बाद इस पर भी टिक करना है, और आपका जो पिन कार्ड होता है, उसके बाद आपका जो भी पिन कार्ड होता है, ठीक है, उसका नंबर डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ, और डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड लेटर सेम एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी आधार कार्ड के ऊपर का जो नंबर रहेगा 12 डिजिट का, वो आपको डालना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं जेंट्स हैं तो MR रहेगा, मतलब मिस्टर रहेगा, और अगर मैं, आप महिला हैं और आपका शादीशुदा है तो MRS रहेगा, और आप महिला हैं और आपका शादी नहीं हुआ है तो MS रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्या रखना है, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम मिस्टर हैं तो MR रख देते हैं, मतलब हम जेंट्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नाम। जैसे कि आपको तीन या थीम, जैसे कि हमको अमित सिंह का इसमें नाम डालना है, अगर मैं वो अमित का जगह पे अमित कुमार सिंह रहता तो मैं यहाँ पे अमित डालता, और यहाँ पे मिडिल नेम में कुमार डालता, और लास्ट नेम में सिंह डालता, ठीक है। और अगर मैं उनका अमित कुमार ही रहता तो यहाँ पे मैं अमित डालता, और यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार डालता, ठीक है। तो आपके जैसे कि नाम राहुल होगा, राहुल कुमार होगा, राहुल जो भी होगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नाम डालना है, मिडिल नेम में तो डाल दीजिए अगर मैं नहीं है, ठीक है, तो आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नाम और लास्ट नेम में डालना है, ठीक है। चलिए मैं अमित सिंह लिख देता हूँ। तो अगर मैं सिंह के अंदर अगर मैं कुमार भी आता तो मैं यहाँ पे कुमार डालता, उसके बाद यहाँ सिंह डालता। चलिए मैं अमित सिंह डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अमित सिंह डाल दिए हैं। अगर मैं इनके अंदर अगर मैं कुमार आता ना तो मैं कुमार यहाँ पे लिखता, अगर मैं सिंह नहीं रहता, ठीक है, तो ये जो कुमार इनका अगर मैं आता तो मैं लास्ट में यहाँ पे कुमार लिख देता लास्ट नेम। तो आप समझ जाइए कैसे डालना। उसके बाद यहाँ पे मेल है, मतलब आप जेंट्स हैं तो मेल रहेगा, अगर मैं, आप महिला हैं तो फीमेल रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम जेंट्स का अकाउंट खोल रहे हैं। उसके बाद आपको इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ इनका है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बट नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक मैं आपको बात बता देता हूँ। आपको जो अपना नाम जो लिखेगा फर्स्ट आगे, ठीक है, आपको यहाँ पे अगर मैं, आप मिस्टर हैं, ठीक है, तो MR आपको आगे लगाना है, ठीक है। अगर मैं नहीं लगाएंगे तो आपको आगे जाके अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बहुत बढ़ेगा एड्रेस उड्रेस के बाद, आपको उसके बाद नाम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि अगर मैं, आप जेंट्स हैं तो MR रख लीजिए। जैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MR मतलब मिस्टर हो गया, उसके बाद अमित हो गया, और यहाँ पे सिंह हो गया। अगर मैं, आप महिला हैं तो जो भी आप यहाँ पे टाइटल में सेलेक्ट कीजिएगा,
ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो आगे जाके आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और क्या उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिटी प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप पैदा कहाँ हुए, तो आप गांव का भी नाम डाल सकते हैं, अपने जिला का भी नाम डाल सकते हैं और अपने स्टेट का भी नाम डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने जिला का नाम डाल देते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, मतलब आपको यहाँ पे इंडिया से इंडिया टाइप करना है, उसके बाद आपका इंडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी इंडिया रहेगा, तो चलिए हम यहाँ पे भी इंडिया डाल देते हैं, मतलब तीनों में इंडिया ही इंडिया रहेगा, नीचे भी इंडिया रहेगा नेशनलिटी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में इंडिया इंडिया रहेगा। उसके बाद सब चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एंटर यूजर नेम आपको बनाना है। ठीक है, आपको यूजर नेम कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ए बड़ा लेटर में लेना है, उसके बाद बी सी, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो आपको डाल देना है। चलिए जो भी मेरा मोबाइल नंबर है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप डालने के बाद चेक पर क्लिक कीजिएगा, तो देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे अगर मैं आ जाता है तो ए माई यूजर आईडी यूज कर सकता हूँ। ए यू जो भी यूजर नेम रखना होगा वो डाल दीजिएगा, बस आपको एक डेमो के तौर पर मैं दिखाया हूँ। देखिए अवेलेबल है, मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो भी रखना होगा ए बी सी, उसके बाद अपना नंबर डाल दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे रखना है, ठीक है, जैसे कि ए बड़े लेटर में रहेगा, उसके बाद बी छोटे लेटर में रहेगा, ठीक है, बी सी, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके एट द रेट एच स्टार लगाना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कि मैं यहाँ पासवर्ड कैसे लगाया हूँ, यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ। ए बी सी, ठीक है, बड़े इस कैपिटल लेटर में ए है, उसके बाद स्मॉल लेटर में बी सी है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लगाया हूँ, आप लोग जो मन करे वो लगाइएगा, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। जो आप ऊपर वाले में डालेंगे पासवर्ड, वही सेम नीचे वाले में भी डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। तो देखिए मैं दोनों में पासवर्ड डाल दिया हूँ, सेम ही डाला हूँ, जैसे कि ऊपर वाले पर मैं दिखाता हूँ। जो ऊपर वाले में आप डालिएगा सेम आपको नीचे वाले में भी डालना है, ठीक है। तो इसको बंद कर दीजिएगा, उसके बाद इसको भी, उसको आपको मैं पहले ही बताया था कि आप वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर आईडी एक्टिवेट हो गया है, और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बिल्डिंग का नाम या जो भी है आपका रूम नंबर वो आपको डालना है, जैसे कि आपको वोटर आईडी पर आपका रूम नंबर मिल जाता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोड एरिया, मतलब आपके आजू बाजू जो भी एरिया का होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिटी टाउन जो भी होगा, मतलब आपके यहाँ पे अपना गांव का नाम डालना है जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होगा आपके एरिया का, आपका पिन कोड अपना डालना है। पिन कोड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक बता देगा कि आप स्टेट यूपी का है, बिहार का, जो भी है आपका स्टेट यहाँ पे बता देगा। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बता दिया। उसके बाद सब चीज़ फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। अगर मैं आपके गैलरी में फ़ोटो है आपका, जिनका अकाउंट खोल रहे हैं या आपका है, तो आपको गैलरी से फ़ोटो लेना है, नहीं तो आप सेल्फी से लेना होगा तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा और सामने आदमी को खड़ा करा के फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर मैं आपको गैलरी में फ़ोटो है तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है और जो भी आपका गैलरी में होगा वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है। चलिए मैं अपना गैलरी से फ़ोटो उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा फोटो है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से आपको क्रॉप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर लेके जाना है और थोड़ा सा अच्छे से आपको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्रॉप हो गया। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल इनकम आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप अगर मैं एक साल में कितना कमाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आप एक साल में 0 रुपये से और 20,000 रुपये तक कमाते हैं, ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है। नहीं तो आप जितने भी कमाते हो, यहाँ से 20,000 से 50,000 है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से 50,000 से 1,00,000 रुपये मैं कमा लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं आप महिला हैं और आप शादीशुदा नहीं है महिला, तो आप यहाँ पर ऊपर वाले पर ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर मैं आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो आपको ऊपर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं घर आप रहती हैं महिला हैं तो आपको ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से हम 50,000 से 1,00,000 के बीच में मैं कमा लेता हूँ एक साल के, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको
यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको डालना है, मतलब आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं हाई स्कूल इंटर तक पढ़े लिखे हुए हैं तो आपको दूसरे वाला पर क्लिक करना है। अगर मैं नहीं पढ़े लिखे हुए हैं ठीक है, तो आपको नीचे वाला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी हैं आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मतलब आप शादीशुदा हैं तो मैरिड रहेगा, अगर मैं आपका शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड रहेगा। बाद आपको अपना फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपको टाइटल में आपको फादर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, MR रहेगा। उसके बाद जो भी आपका पिताजी का नाम है, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ ठीक है, तो आप देख के समझ के आप डाल दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फादर नेम। डालने के बाद यहाँ पे टाइटल में मदर नेम, मतलब अपने माता जी का नाम डालना है ठीक है, तो MRS पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी माता का नाम है, फर्स्ट नाम मिडिल नेम होगा ठीक है, तो आपको अपना माता का नाम डाल देना है। आपको स्पाउस नेम पूछेगा, तो आपको स्पाउस नेम के मतलब वो होता है कि जीवन साथी, मतलब आपका कौन। अगर मैं आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने अपने पति का नाम यहाँ पर डालिए। आप जेंट्स का अकाउंट ओपन हो रहा है तो यहाँ पर अपना पत्नी का नाम लिखिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी आपको लिखना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको शादीशुदा नहीं है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है ठीक है, मगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी का नाम लिखिए। अगर मैं आप पत्नी के अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखिए। उसके बाद नहीं शादीशुदा है तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं ठीक है, ऑकुपेशनल, मतलब आप क्या करते हैं, मतलब आप बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं ठीक है, तो अगर मैं कोई सर्विस करते हैं तो सर्विस वाले पर क्लिक कीजिएगा। नहीं समझ में आया आएगा तो अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप क्या हैं ठीक है, हाउस वाइफ है, मतलब आप घर की वाइफ हैं, तो आपको भी दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट करना है। आप अगर मैं आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर, और अगर मैं नहीं मालूम है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल डालना है। जैसे कि नॉमिनी डिटेल्स मतलब ये होता है कि अगर मैं बाई चांस आपकी मृत्यु होती है तो जो भी आपके अकाउंट में पैसा रहेगा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो जो भी आपको नॉमिनी में नाम डालना है, जैसे कि अपने परिवार में ही नाम डाल दीजिएगा, फादर का, मदर का, ब्रदर का ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना फादर का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको उनके साथ रिलेशन क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब जो भी आप नाम डालेंगे उनके साथ रिश्ता क्या है ठीक है, तो जैसे फादर का नाम डाले हैं ना तो यहाँ पर फादर लिख देंगे हम। उसके बाद जो भी आपका फादर का डेट ऑफ बर्थ होगा ठीक है, वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद सब चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स और आपका डिटेल सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका डिटेल सेम रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस पर आपको क्लिक करना है और फुल ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आप पैसा ऑनलाइन भी, मोबाइल से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है। और अगर मैं आप बस बैंक का बैलेंस ही चेक करना है तो व्यू ओनली पे क्लिक कीजिएगा, और सबसे बेस्ट रहेगा फुल ट्रांजेक्शन, मतलब बाद में आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके उसके लिए आपको फुल ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन दिखाने लगेगा। आपको इसमें सेलेक्ट चाहिए, मतलब आप जो भी लेन देन होगा आपके अकाउंट से वो आपको SMS मिलता रहेगा, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। आपको अगर मैं चेकबुक चाहिए तो आपको यस पर क्लिक कर दीजिएगा, चेकबुक फ्री में आएगा। और उसके बाद चेकबुक नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा ठीक है, मगर आपको चेकबुक लेना होगा तभी आप यस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हमको चाहिए तो हम यस कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड टाइप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डोमेस्टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कार्ड वेरिएंट पर आपको क्लिक करना है, और आपको सिल्वर क्लासिक पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है। उसके बाद आप कार्ड के ऊपर नाम क्या डालना चाहते हैं ठीक है, जैसे मिस्टर अमित सिंह है तो मैं अमित यहाँ पे मिस्टर हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे अमित बस लिख देता हूँ। तो वहाँ पे देखिए मिस्टर अमित सिंह था तो मैं यहाँ पर बस अमित सिंह लिख दिया हूँ ठीक है। जो भी मेरे ATM कार्ड आएगा ठीक है उस पर मेरा नाम लिखा रहेगा ठीक है। आप जो भी नाम डालना होगा वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है ठीक है आपको इसको ऊपर करना है, आपको स्क्रॉल करते जाना है ठीक है। आपको जितना ये जब तक ये नीचे ना आ जाए, ये वाला देखिए ये आपको जब तक नीचे ना आ जाए तो आपको स्क्रॉल करते जाना है, इस पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर टिक करना है और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। तो चलिए मेरा जो भी ओटीपी आया है मैं फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड मिल जाएगा और ये आपको ब्रांच में लेके जाना है। 15 दिन के अंदर आपको वैलिडिटी रहेगा, आप 15 दिन के अंदर आप ब्रांच में लेके जाना है आपको। अगर मैं आप चाहें तो जो भी हम अकाउंट खोले हैं आप तुरंत अगर मैं ब्रांच में भी रहेंगे सेम खोल लेंगे तो तुरंत एक कोड दिखाएंगे तो तुरंत आपको पासबुक और उसके बाद आपको पासबुक दे दिया जाएगा। जो भी आपका चेकबुक और एटीएम रहेगा वो आपको एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपको डिलीवर 7 से 8 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है। बट आपको ब्रांच पे जाएंगे वो उसके बाद अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। एक कोड हो जाते ही आपको कोड मांगेंगे बैंक मैनेजर, ठीक है। तो आपको एक कोड दिखाना है, तो जो भी आपका कोड रहेगा ये नहीं है कि मेरा ही कोड दे दीजिएगा, ठीक है। आपके पास कोड दिखाएगा तो आपको लिख लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारना है और वो जाके ब्रांच पे दिखाना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और फोटो के साथ और 3,000 रुपये लेके जाना है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए 2,000-3,000 रुपये लग रहा है और जो भी आपका पैसा लगेगा वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। तो आप ही समझ गए होंगे। और जो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था ना, ठीक है, आप यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर मत दीजिएगा, ठीक है, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। उसके बाद आपको यूज़र पासवर्ड मिलने के बाद आपको जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना अकाउंट खोलने के बाद आपको यहाँ पे उस एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। बाद में आपको पैसा वैसा ट्रांसफ़र करना होगा, बाद में बैलेंस चेक करना होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता। मगर आप जो यूज़र आईडी पासवर्ड मैं आपको समझाया था बताया था वो बैंक मैनेजर को मत बताइएगा, एक कैप्चा कोड ही बताना है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी जो पासवर्ड बनाए थे आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन यूजिंग पे उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है जो आपका जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तब, ठीक है। तो जो भी है आपको बताना है, बस आपको ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। तो बस आपको यहाँ पे ब्रांच पे जाना है तो एक कोड बताना है, ठीक है आपको, और पैन कार्ड आधार कार्ड और कुछ पैसे के साथ जाना है, ठीक है। तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बट आपको 15 दिन के अंदर ही जाना है। ये अकाउंट खोलने के बाद 15 दिन के अंदर ही ब्रांच पे जाना है और तुरंत काम हो जाता है, ठीक है। और ये सोचेंगे कि हम ब्रांच पे जाके फार्म भरेंगे तो ब्रांच वाले फार्म नहीं भरेंगे, बोलेंगे मोबाइल से खोल के लेके आओ, ठीक है। तो आपको यही एक ट्रिक है कि आपको मोबाइल से खोलना है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया, क्योंकि हम स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझाएं। वीडियो तो थोड़ा बड़ा हुआ है बस इसके लिए सॉरी, मगर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ एक वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।